अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन मसाला की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल पर खाने में बिल्कुल सिंपल नहीं रहेगी, बहुत ही लाजवाब और टेस्टी दार बनेगी। आप एक मरतबा ये रेसिपी को ट्राई करिएगा, आप सबको बेहद पसंद आएगी। ये बहुत ही इजी और इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर रेडी हो जाती है, पर इसकी जो ग्रेवी है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें ले लेना है एक प्रेशर कुकर, उसमें हम डाल देंगे 1/4 कप तेल। तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी स्टिक दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 काली मिर्च डाल देंगे और 2 लौंग डाल के इसको थोड़ा सा क्रेकर कर लेंगे। उसके बाद हमें इसमें डाल देना है 3 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज को इस तरीके से पतली स्लाइसेस में कट कर लेंगे। अब हमें इसे इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। इसकी जो भुनाई करेंगे, इसका जो कलर है वो भी चेंज कर लेना है, और जब तक कि ये हल्की सी ब्राउन कलर ना हो जाए तब तक कि इसको इसमें भुनाई करते जाएंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में हाई फ्लेम पर इसे कर लेना है, तो इसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हमें इसमें शामिल करना है मटन। तो मैंने यहाँ पर 1 kg मटन लिया है। मटन डालने के बाद हमें इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 चम्मच हमें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। 2 चम्मच हमें इसमें डाल देना है क्रश किया हुआ हरी मिर्च। देखिए आप कभी भी उस हरी मिर्च का पेस्ट नहीं यूज़ करिएगा, उससे इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना क्रश किया हुआ का आता है। तो जब भी आप यूज़ किया करें तो क्रश किया हुआ यूज़ किया करें, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद हमें अब इसकी ना भुनाई करनी है, इतनी भुनाई करनी है तो इसका कलर जो है वो अच्छे से थोड़ा चेंज हो जाए। तो अच्छे से इसको भून लीजिए, ताकि जो इसमें मटन का पानी रिलीज़ होगा ना, तो उसको भी ड्राई कर लेना है, और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको भी हमें इसमें ड्राई कर लेना है। तो जो भी सारी चीज़ें हैं अच्छे से भून लीजिए, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से वेल कम्बाइन हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर जो मटन है उसको मैंने 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। तो यहाँ पर जो मटन है उसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से एक सुनहरा कलर आ गया है। तब आप देख सकते हो नीचे ऑयल सरफेस पर, जो ऑयल मटन डालने के बाद गायब हो गया था उसकी भुनाई करने के बाद, वो वापस से आ गया है। तो ये इसकी एक साइन होती है अच्छे से मटन भुजाने की। उसके बाद हमें ले लेना है 1/2 कप दही। दही में हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच हम यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर से हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी बनेगी। 1.5 चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1/4 चम्मच हमें इसमें डाल देना है हल्दी। 1 चम्मच गरम मसाला, अगर होममेड गरम मसाला है तो 1 चम्मच डालिएगा, अगर बाजार का होगा तो 1.5 चम्मच डालिएगा। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा इसमें नाम भर का कलर डालेंगे, क्योंकि हम इसमें टमाटर यूज़ नहीं करेंगे। 1.5 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, नमक वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें डाल सकते हो। उसके बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसमें जो सारे मसाले मैंने यूज़ किए हैं, सारे ही घर पे जो अवेलेबल होते हैं वही मसाले मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। अभी जो मसाला है हम ये ऐड कर देंगे इस मटन में। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्पेशल क्या है, इसमें लाजवाब सी चीज़ क्या है। तो जी है, इसमें इस तरीके से आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही बेहतरीन सी होगी। देखिए बनाने का तरीका सबका बहुत ही डिफरेंट होता है, सबकी अपनी टेक्निक होती है। आप एक मरतबा इस तरीके से बनाइएगा, घर में नॉर्मल जो बेसिक से मसाले हैं उसी से ट्राई करिएगा, देखिएगा आपको मटन का जो तरीका जो जायका है वो बेहद चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमें इस ग्रेवी को कुक करना है। डायरेक्टली हम ऐसे तो कुक नहीं कर सकते, इसलिए मैंने 1/2 कप इसमें पानी डाल दिया है। फिर हमें लीड को कवर कर देना है, एक विसल आने देनी है। 15 मिनट के लिए धीमी आंच में हम पका लेंगे। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये ओवर सॉफ्ट हो जाएंगे जो हमें इसमें नहीं चलेंगे। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं, विसल से जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो गया है। तो लीड को ओपन कर देना है, तब आप देख सकते हो ये कितना बेहतरीन दिख रहा है। 15 मिनट के दरमियान हमारा जो मसाला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से भुना गया है, मसाला ऑटोमेटिकली भुनाया है, उसके साथ जो मटन है वो भी साथों साथ भुना गया है। तो आप देख सकते हो सरफेस पर ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है, जो इसकी ग्रेवी है वो बिल्कुल सेपरेट हो गई है। आप चाहे तो यूँ ऐसे ही खा सकते हो, बहुत ही मज़ेदार का और बेहतरीन सा लगता है। अगर आपको इसमें ग्रेवी डालनी है, बनानी है, मतलब मेरी तरह जैसे मैं डालूँगी, 1 कप मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी चॉइस और पसंद होती है, वैसे दोनों एक ही चीज़ होती है। तो चलिए अब इसको पानी डालने के बाद एक बॉईल आने देना है।
जब इसमें बॉईल आ जाए तो उसके बाद हमें फ्लेम को कर देना है धीमा। लीड को ऊपर से ही कवर कर लेना है, पूरा पेक नहीं करना है। 5 मिनट के लिए धीमी आंच में हम इसको पका लेंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड किया है तो लाजमी बनता है कि 5 मिनट इसको पकाया जाए। तो ये देखिए 5 मिनट हो गया है और हमारा यहाँ पर मटन मसाला जो है वो बनकर रेडी हो गया है। गार्निशिंग के लिए ऊपर से हम धनिया डाल देंगे, ये ऑप्शनल बिल्कुल नहीं है, हाँ इसको ज़रूर से डालना है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, यहाँ पर हमारा जो मटन मसाला है वो बनकर रेडी हो गया है। चलो इसे डिसआउट कर लेते हैं। मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया था एक बाउल में, तो आप देख सकते हो इसकी जो ग्रेवी है वो कितनी अट्रैक्टिव लग रही है और ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी बनी थी और बहुत ही इंस्टेंट से बन भी जाती है। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आए, जो सडन वाले गेस्ट होते हैं ना, अगर वो अचानक से आ जाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंस्टेंट से ये बना लीजिए उनके लिए और उनको बेहद पसंद भी आएगी, ये ऐसी रेसिपी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो इसे भी प्रेस कर देना, इस तरीके से मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।